सुबह से खबरें आ रही हैं, लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम क्या टेलीग्राम बंद हो गया है, क्या टेलीग्राम बंद होने की संभावना है। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मैम टेलीग्राम बंद क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है। टेलीग्राम बंद होगा या नहीं होगा ये निर्णय भारत सरकार के हाथों में है, लेकिन आज हम जरूर ये जान लेंगे कि टेलीग्राम बंद होने की ये जो चर्चाएं आई हैं वो चर्चाएं आई क्यों हैं। इस संबंध में आज हम पूरी डिटेल समझ लेंगे और व्यवस्थित रूप से आपके अंदर अब जानकारी आ जाएगी कि क्या सच में टेलीग्राम बंद होने वाला है, और यदि होने वाला है तो उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, इसके बारे में आज हम समझेंगे। मैं उन्नति जैन आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जानकारी है, अब मैं नहीं बोलूंगी कि टेलीग्राम चैनल्स पर आप फॉलो कर लीजिए, कर ही लीजिए, क्योंकि अभी बंद नहीं हुआ है, बंद होगा तो सरकार के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। सरकार ने अब जांच शुरू कर दी है कि गलत गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम आखिरकार किस स्तर पर है, क्या इसको बंद कराना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके संबंध में भारत सरकार के द्वारा यहां पर जांच शुरू कर दी गई है। टेलीग्राम की राहें अब और कठिन होती जा रही है, क्योंकि टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी अब की जा चुकी है और सीईओ की गिरफ्तारी के बाद सीईओ का गलत कार्यों में लिप्त होना ये करण भी आया है, तो अब इस प्लेटफॉर्म कब तक जीवित रहेगा ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर देखने को मिल रहा है। अब जब सीईओ की जांच हो रही है तो हर एक व्यक्ति की जांच होगी और प्लेटफॉर्म किन गतिविधियों को चला रहा है इसकी भी जांच अब की जाएगी। भारत में टेलीग्राम से संबंधित जो आशंकाएं या संभावनाएं हैं उनके बारे में जरूर चर्चा कर लेते हैं। टेलीग्राम पर जबरन वसूली करने से संबंधी मैसेज, सट्टा बाजारी भी आपको कई बार देखने को मिलती है, और कई बार आपको ये भी देखने को मिला है कि टेलीग्राम पर गलत गलत सूचनाओं का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है इस संबंध में, और इस पूरी घटनाओं को बढ़ावा देने के आरोप में जो टेलीग्राम के सीईओ हैं पावेल डोरेव, उनको गिरफ्तारी कर दी गई है। और जब से गिरफ्तारी हुई है तब से भारत सरकार के द्वारा टेलीग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जांच को और गति तीव्र गति से बढ़ा दिया गया है। पावेल डोरेव की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से एलन मस्क या फिर अन्य अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स ने और अधिकर्ता ने भी अपनी अपनी बातें कही हैं। टेलीग्राम की राहें और मुश्किल इसलिए भी होती जा रही हैं क्योंकि भारत पे इस पर बैन संबंधी जो चर्चाएं हैं वो बहुत तेज हो गई हैं। मनी कंट्रोल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि टेलीग्राम जो कि बहुत फेमस मैसेजिंग ऐप है उस पर जबरन वसूली और जुए जैसी घटनाएं ज्यादा देखने को मिली हैं, जिसके कारण भारतीय नागरिक या फिर वैश्विक नागरिकों को कई समस्याएं या फिर कई अपराधों से भी जूझते हुए देखने को मिला है। आपने भारत गवर्नमेंट में या फिर इंडियन गवर्नमेंट में आपने जब परीक्षाएं आयोजित होती हुई देखी तो आपने एक सूचना सुनी होगी कि यूपी में या फिर अन्य राज्यों में टेलीग्राम पे पेपर लीक हो गया, तो ये टेलीग्राम फिर ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है इसका तो गलत प्रयोग हुआ, इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बार टेलीग्राम का जो भूमिका है वक्त वक्त पर कई गलत गलत गतिविधियों में पाता हुआ दिखा हुआ है ना। अब जांच एजेंसी ही टेलीग्राम का भविष्य तय करेगी कि कहां तक टेलीग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत में हो सकता है कि जल्द ही इस पर बैन लग जाए, और ये पूरा का पूरा निर्णय केंद्र सरकार ने अपने हाथों पर रखा है। अगर गैर कानूनी गतिविधियां ज्यादा पाई जाती हैं, ज्यादा देखा जाता है कि ये सूचनाएं बढ़ रही हैं, चाहे पेपर लीक हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, सेक्सुअल हरासमेंट हो, गलत गलत अश्लील तस्वीरों को प्रसारित करना हो, या अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, सट्टा बाजारी से रिलेटेड गतिविधियां अगर ज्यादा पाई जाती हैं तो मे बी पॉसिबल अगले दिनों में आपको ऐसी कोई गतिविधि देखने को मिले। क्योंकि टेलीग्राम आज का कोई घटनाक्रम नहीं है कि टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी हो गई तो टेलीग्राम बैन, नहीं, टेलीग्राम की विश्वसनीयता और गोपनीयता पर कई बार प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। भारत सरकार के पास ये राइट है कि वह टेलीग्राम के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है, क्योंकि इसके पहले भी भारत सरकार के द्वारा टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन को ऑलरेडी बैन कर दिया गया था, क्योंकि सरकार तो यही चाहेगी कि ऐसा कोई भी एप्लीकेशन ना हो जो व्यक्तियों के हानि के लिए एक कारक बने, क्योंकि इससे पहले भी कई लाख विद्यार्थियों का पेपर लीक हो जाने के कारण पूरा करियर दांव पे लगा था, तो मे बी पॉसिबल सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए टेलीग्राम पर बैन लगा दे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
ऐप एक्चुअल में क्या है, वो जागरूकता और उपयोगकर्ताओं को सावधान रहने के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन जब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने ही प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग करता है तो मे बी पॉसिबल उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए। भारत सरकार के जो सूचना एक्ट है, आईटी एक्ट के जो आर्टिकल है वो 69A का अलग, अगर ये एप्लीकेशन उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, जो कि अभी जाँच के अंडर जाँच में है, तो मे बी पॉसिबल आपको देखने को मिलेगा कि यह ऐप बैन हो जाए और इसके संदर्भ में सरकार के द्वारा जल्द ही कोई सूचनाएं जारी की जाएं। मैं उम्मीद करती हूं कि जितनी भी शंकाएं थी वो अब आपके दिमाग से हट चुकी होंगी। टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी से हम ये अंदेशा नहीं लगा सकते हैं और यह बात भी नहीं कह सकते हैं कि टेलीग्राम बैन हो जाएगा। अब हमें यह देखना होगा कि भारत सरकार जब इसकी जाँच करता है तो जाँच में वह कौन कौन से साक्ष्य पाता है, वह कौन कौन सी गलत गतिविधियों को पाता है, और सरकार को अगर लगता है कि यह टेलीग्राम एप्लीकेशन कई युवा नागरिकों या फिर देश के नागरिकों के लिए हानिकारक हो सकता है, तो जैसे टिकटॉक भी बैन हुआ था, मे बी पॉसिबल टेलीग्राम बैन हो जाए। अब बैन होगा या नहीं होगा ये सरकार के हाथ में है, सरकार यह मामले अपने अंदर रखे हुए है, हम बस देखेंगे पैनी निगाहों से कि यह टेलीग्राम कब तक बैन होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो शंकाएं आपके दिमाग में थी, जो सुबह से आप लोग लगातार मेरे से क्लास में पूछ रहे हो, अब उसकी शंकाओं पर विराम लग चुका होगा। टेलीग्राम बैन तभी होगा जब इसकी व्यवस्थित जाँच होगी और जाँच में यह अपराधी पाया जाता है। क्यों बैन होगा? सीईओ की गिरफ्तारी नहीं, इसकी अनैतिक गतिविधियों के कारण। मैं मिलती हूँ सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो अपने सगे संबंधियों के बीच में ज्यादा से ज्यादा आप इसको प्रेषित करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।